नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उग्रवादियों की रिहाई पर भाजपा की पीडीपी को धमकी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार में अपने सहयोगी पीडीपी को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब अगर अलगाववादियों या उग्रवादियों की रिहाई जैसा कोई एकपक्षीय फैसला लिया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने संकेत दिया कि सत्ता में बने रहना उसकी प्राथमिकता नहीं है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता निर्मल सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें आलम की रिहाई को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर राज्य के हालात से अवगत कराया। बैठक के बाद पीडीपी के आला नेताओं को चेतावनी दी गई है कि अब इस तरह की एकपक्षीय कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमदाबाद पहुंचा सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान। वर्ल्ड टूर पर निकला सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान सोलर इंपल्स 2 अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार रात अहमदाबाद पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला यह पहला विमान है। रात 11:25 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से पहले इस विमान ने 30 मिनट तक हवा में चक्कर काटा। मस्कट से 15 घंटे का सफर तय करके विमान यहाँ पहुँचा है। परियोजना के सह संस्थापक और SI-2 के को पायलट आंद्रे बोशबर्ग ने कहा, यह परियोजना ऊर्जा बचाने के बारे में है, इसलिए विमान को हल्का बनाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रगान के दौरान मंच से चल दिए कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई से मंगलवार को उस समय चूक हो गई जब न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान को वे कर्नाटक के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला रहे थे। शपथ दिलाने के बाद वजूभाई मंच से जाने लगे, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक उस वक्त राष्ट्रगान चल रहा था। राज्यपाल को इस बात का भान ही नहीं रहा कि राष्ट्रगान चल रहा है और वह जाने लगे, जबकि मंच पर विराजमान अन्य लोग सावधान की मुद्रा में खड़े थे। जब वजूभाई जा रहे थे तब उन्हें उनके एक सहयोगी ने तुरंत इस चूक की याद दिलाई, जिसके बाद वह शीघ्र ही मंच पर लौटे और सावधान खड़े हो गए।